शैक्षणिक मनोविज्ञान पार्ट नवमो मां प्रश्न पहलो शिक्षक नी त्रण जवाबदारी कोणे जणावी छे। जवाब स्टीफन्स। प्रश्न बीजो मानवीना वर्तन पर पर्यावरणना कया घटक नी असर जोवा मळे छे। जवाब उद्दीपको। प्रश्न त्रीजो एरिस्टोटल ना समय में मनोविज्ञान केवी रीते ओळखातो हतो। जवाब मननु विज्ञान। प्रश्न चौथो शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्यत्वे केटला पासाओ पर ध्यान केन्द्रित करवानु सूचवे छे। जवाब त्रण। प्रश्न पांच शैक्षणिक मनोविज्ञाननी उपयोगितानु संपूर्ण मूल्यांकन कोने कर्युं हतुं। जवाब डेविस। प्रश्न छठो अध्ययन अने अध्यापननी समग्र प्रक्रिया सेना पर आधार राखे छे। जवाब शिक्षक विद्यार्थीनी आंतरिक क्रियाओ पर। प्रश्न सात नीचेनामांथी कयो सिद्धांत कर्ट लेवीने आपेलो छे। जवाब क्षेत्र सिद्धांत। प्रश्न आठ सतत चालती प्रक्रिया नीचेनामांथी कई छे। जवाब अध्ययन। प्रश्न नौ अध्ययनना क्षेत्रमां कयो ख्याल खूब उपयोगी निवड्यो छे। जवाब प्रशिक्षण संक्रमण। प्रश्न दस अवलोकन पद्धतिना प्रणेता कोण हता। जवाब नॉर्मन मने। प्रश्न अग्यार व्यक्तिनी समस्याना निदान माटे कई पद्धतिनो सहारो लेवामां आवे छे। जवाब व्यक्ति इतिहास पद्धति। प्रश्न बार मनोविज्ञान हवे एक प्रकारनुं वर्तमान शास्त्र रह्युं छे आ विधान कोनुं छे। जवाब वुडवर्थे। प्रश्न तेर सृष्टि कोण स्थित अने शाश्वत पदार्थनी बनेली नथी आ विधान कोनुं छे। जवाब हिराक्लेट्स। प्रश्न चौद संरचनावादना मुख्य पुष्टकर्ता कोण हता। जवाब रूंट अने टीचरनर। प्रश्न पंदर मनोवैज्ञानिक फकनरे तेना संशोधन में कई पद्धति अपनावी थी। जवाब मनोभौतिक। प्रश्न सोळ स्मृतिना क्षेत्र में कोणे प्रयोग कर्या हता। जवाब एबिंगडन रोसे। प्रश्न सत्तर मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइके कोना पर प्रयोगों कर्या हता। जवाब बिलाड़ियों पर। प्रश्न अठार इवाइन पाउलोए अध्ययन ने मूलभूत प्रक्रिया अंगे कयो नियम आप्यो हतो। जवाब अभिसंधित प्रतिचार। प्रश्न वीस प्रयोजनवादी वर्तमानवादनो सिद्धांत कोणे आप्यो हतो। जवाब टोलमेने। प्रश्न एकवीस प्रयोजनवादनो मुख्य प्रवर्तक कोण हतो। जवाब मेकडुगल। प्रश्न बावीस वर्धिमन कोहलर अने कोफका एक कया वादना प्रणेता गणाय छे। जवाब संयोजनवादना। प्रश्न तेवीस मनोविश्लेषणवादनी स्थापना कोणे करी हती। जवाब युंग। प्रश्न चौवीस आनुवंशिकता अंगे शास्त्र ने शूँ कहेवामां आवे छे। जवाब जनीनशास्त्र। प्रश्न पच्चीस पुरुषना शुक्राणु अने स्त्रीना बीजमां केटला रंगसूत्रनी जोड़ होय छे। जवाब तेवीस। प्रश्न छवीस उच्च परिवारनी 977 व्यक्तिनी वंशावळीनो अभ्यासक्रम कोणे कर्यो हतो। जवाब गोडार्ड। प्रश्न सत्यावीस आनुवंशिकता अंगे ઉંદરો પર પ્રાયોગિક અભ્યાસો કોણે કર્યા હતા. જવાબ ટ્રિયોન. પ્રશ્ન 28 ન્યુમેન ફ્રીમેન અને ઓગ્ઝોગરે કોના પર અભ્યાસો કર્યા હતા. જવાબ એક દળ જોડિયા બાળકો પર. પ્રશ્ન 29 સ્ટ્રોક અને ફુલર આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણના ફાળા વિશે કોના પર અભ્યાસો કર્યા હતા. જવાબ કૂતરાઓ પર. પ્રશ્ન 30 અભ્યાસક્રમ બાળકોની ખાલી જગ્યા પોષે એવા હોવા જોઈએ. જવાબ રુચિ. આ હતા નવ પાઠ. તમે ધ્યાન દઈને સાંભળ્યા સમજ્યા એ બધા આભાર. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.